बारह तीत बनैले बारे लंडू, मुंह के साथ साथ गांड के भी हालत खराब हो जाई। चल सीधा गोरो नहीं मैं रख। वाह कोनो खराब चीज है क्या रे? ऑन दाना है, ऑन दाना। ए लंडू तई का गोर पर पानी मारत चुतर मसाला लागल हो। चुतर मसाला? ई कोन मसाला हो रे? चुतर मसाला यानी गू हा गाल छेराल। ए हट 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 चलो पिछट। गू लगा के अलबरा ना साले कहत न चुतर मसाला। साले गू चुतर से निकल रही तो चुतर मसाला ना कही तो मीट मसाला कही। साले गोर पर पानी मारा ना तो ठेला में लगा दे हम। नहीं रख, नहीं गोरो नहीं रख। हमार मार मार दहो। ई कहां लगा लेले हरे चुतर मसाला? ए बहन जदो सके घर में सरकार लेटरिंगो बना देला तहियो गार उठा के खेत में हकत रही। वो रास्ता पेरा पर आ लंडू तनका इमली पानी मार दही महाकवा खत्म हो जतई। ए मार काते तकले बारे मार इमली पानी कोनो घर तो का बाप के उकारे साला आराम से बोल। बस रह दे अब खटा खटा में। आ एगो काम कर लंडू आ दोनों भाई के 10 10 रुपए के पूछे किया मसाला तेल के। बाप ने मसाला बना के देले हो तो तेल के खियो हिसाब से खियो बहु खाए के उ तो को न तो जो। ए खियो खियो भाव मत छो एगो मुंह तो हो पानी पूरी लेकिन अचकल पचकल। निकल सुअरी का सैनासा है पुरानी हवेली से मुंह में लूती लगाई निकाल। कौन चिल्लाता रे गिदर के औलाद लेकिन? ओए बाहर आओ सरव नारंगी तोर दीदिया के भतरा आइल बा सतरंगी। सरव जीजवा बा लगा तो दीदिया के लेके आइल बा। आए दीदिया प्रणाम। काहे इतने ढकत रे आ घर में भीतर? ए हम भीतर ना आएम तोनी के सब गोरा के बाहर निकालम आ कस के लसारम। हमरा भतरू के हमरा रजऊ के हमरा करेजऊ के मुअली के मार मरले बड़ा लोगन आ हम भीतर आई। जो जल्दी भैया से को बुला के ले पानी पूरी खाता आ निकाल सब घटारी मेटरी के हमरा बाप के मरले बारे हम अकेले फरियालम सब सार से। ए दीदिया ए आराम से खाली ढाकला से होई आओ यहाँ बैठ। ए हाथ के हतार हमर लंगते घरे घरे पहुंचा रहे ओ समय समझदारी कहाँ के रहे तेल बेचे। आ जाते जाते बैठ समझावत नहीं बैठ बैठ बैठ। हाँ बहुत मजा ना लोग आलंडू ये कहूँगा सुखल खियाओ। सुखल खियावल बंद कर दिलवानी चुपचाप पैसा दे आ हमारे जो न तो चिन्हत न बारे। हाँ नू बाबू लंडू ये कहूँगा सुखल खिया दे न तो लामा नू बारे मरबाऊ खींच के एक चाटा बस हो जाए नाटा। भाइयों रे चल जल्दी घरे फूफा आए लो फूफा के लेके। रे सरवा रे रे पैसवा रे आ रुक इतना जल्दी का बारे धर पहले पानी पी ले ओकरे बादे गोर जिए। ए हटाओ हम कुछ नहीं खी जानत पहले उ चारू चढ़वा के बोलाओ हम दर्शन करे के चाहता नी हमू त देखी कि ओकनी के गार पर कतना बीक चढ़ल बा। ले सपनावा ओकनी के बीक उतरी पहले कुछ खा पी ले। ए चाचा तू आराम से रह न त तोहरो सारा बीत बना दे हम नु बुझता नी अपना मरद के दर्द। ते हा टाइट कर ले स मुंह देख के लागत कि मरता उसला। हां एही गई हवेले रही याद ना होत चल ठीक है। सपना रानी ये सर्व से कहले रे हमरा पानी पानी मारी गिरा के अ लेर पुटा भभका दी हम यही जब बैठे फूफा मरद लेकिन फरियाद कहो तो पिछवाड़ा चला ये सब लोग बा चल चला तू जा चल मुंह से देख के मारा चल। बीच में क्यों सार ना आई सब सार का बाप अकेले देख ली आ इलाज सपना रानी कराई हैं। सपना रानी जा 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 फुआ जी बड़ा देर से मराई होता ढेर धधायलो ठीक ना होके न तो भूताहू में टाइम ना लागेला। अरे बाप रे मर्द बड़ी भारी है हो ठीक कर ले भाइयो इस साला के गाड़े होई 55-56 किलो के। छोटका बाऊ जी पनिया ले आई ना जल्दी कह देनी पाहुन पानी ना चाहिए तो पानी पानी कहले बन। पुआ समार फूफा के। अरे ये कैसे भेल रे पापा हो फूफा हमनी के बारा मार मर लवा आ खूब बनिया आ का जानी काहे दुनी मारते मारते बेहोश हो गेलवा। आ फूफा के मिर्गी है का रे छिछिरिया काटत रहलवा
अरे साला पापा मर लन तो टोनी के दागी होके चाहिए तो पापा के आंख गाल पर दागी कैसे रे बंटी बता दही रे छौरा रे बाप तो तोरा आंख गाल चला के मारत रहलौ हो हमनी के फाइट पर चुप साला आंख गाल चला के तोरा फाइट में मर लन चुतिया समझता रे ई चारों सालवा मिल के फूफा को मारा है साला 2 महीना से घर में बैठ के हराम के दाना खाता सुनत न बारे ई साला के बोली अरे जीजा बहन चोद हमनी के मरनी ना दमाद जी रहुआ ना जानी ले तो कथी बोली ले कथी बाबा तू हटा ए देखे कर ले हमने मरनी है देखे कर ले बार बार साला ये बीच में बोलेला बार बार जा दे बुआ जा दे दमाद जी बरन जा दे जाए रो जाऊ जाए करे जाऊ केकरा सहारे छोड़ के चल गईला है दादा हां तो देर कौन बात के बात चलो लोगन बांस काटे पछाटी बनो चलो अरे बांस से पछाती का हुई हम तो जिंदा वाली हमनी के फूकहु में टाइम लगाई हां तो तेलगर दे बा 2 मिनट में जर के राखो जैतन पिया जी भतीजवा सके मरनी है न खूब मन भर आंखा गाल से आप फूफा ठीक बुझा था रानी हो रानी मराई से इतना दे थकान हो गल बा कि सोचे दे दुखाई ता चलो थोड़ा तेल और लहसुन गड़मरा दा चाना गरम कर दा चलो ये सपना जो ना भीतर भाव जाई बुलाओ था आई रहूगा भीतर हम तेल गरमा के रखता नहीं आई मेहमान कहाँ हो रहे भेजाई ना घर में मताई खाना निकाल के दे लिया का है दे बैठल है अब तोरी बहिन के इतना 4-5 थप्पड़ में लगला खोप गीचे कौन मराई मर रही है सोरे के सूत के सांस लेता शुक्र मनाओ फूफा की मेहमान सांस लेता तो हमने के मार से लोग पचाठी धले वाले मेहमान अरे मेहमान ए बुरी उठ जाके के ठुस माई बुलावा तू तो खाना खाला साला देश तो कोनो काम धंधा बाना हराम के खाए के बाद जेने मन कला कोने गाड़ी गार के सुत रहे के बाद तो सार जी मंगावा कुछ खाए पिए ला कि पिछला बेर लेकिन भूखे रखे के बाद हमर बार हे 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 कैले बार आइले ह त लइका साले एगो लड्डू लेके ना आइले त कहां से खाए पिए के इंतजाम हम क दी आइला 400 रुपया जाके 2 किलो मीट ले आवा आज हम मीट के साथे भात खाएं इस साल 400 रुपए कहाँ से ले लखा रे चल बंटिया जिस महिला में खोरे मुर्गी जो खाली आई चल मुझे चली का भैयो आराम साले मुंह फार दे हम अरे हमरा ले एगो पथरी रखवाई ले आइए ए बाघ छिनर भतार के गलती ना कहबू भतार तोर हमरा के छिनरी कहत रहन त ना कहबू आ लइका सके छोटी मोटी बात पर ढोक तारू ए ढोकी ना त का करी रे दुआर पर भतार के लंगटे उघारे इज्जत बेचात रहे त मजा लेत रहलू एगो अंडा ला भतार के देह पर कतना लात जूता चलल ई ना कहबू रंडो ए चुप रंडिया दाम डाले एगो तो खाके 2 महीना से गार जात के बैठल है ना कमाई के ना दवाई के है घर खा लिए खोर पादा लई का मम्मी जी फूफा जी के सामने इज्जत लेता नहीं दामाद आयल 2 साल 3 साल ना रहल त दामाद कथी के चल जाम तो कहियो आइबो ना करब ए जई नाइम एगो तो हमर वसे मुंह लगावे के ना चाहिले एगो तो करिया मुंह बा गाड़ बे इतना घुमा देखनी दीदी दामाद के चाल अच्छा दीदी ई बताई जीजा जी तो बड़ा मोटा थे भार कैसे सहत हो गम तो हमरो भैया वा कोने पातर ना है धके टगरा देत कोई अरे छोरी टगरा टगरी वाला बात जीजा जी हल थिन दुनु से दुनु माल कमाल लगत रु बोले तू गंदा बात बोले पापा के हां नु ऐसा एड़ मारम कि लेड़ छटका देब बड़ चढ़ के बोलता रहा फूफा के फुआ के रहते ए चुप्पी लड़का सके कितना बुद्धि हो केला आ जीजा जी आ हमारा पजरा रे ओके खियाई का जरा दूर खाखेर और मुंह भर वाला खेल लगल है नारंगिया बहू आज रात के हमारे अलगे बिछावना क दिए आज सुत तू यही चढ़ावा के ले
है जाई ना कनिया में खिसा गेलै ई ओके छोड़ा उ तो रोज काम बर उसे मनावे के तू का करतु ई दादा ये छिया होई उमर में होम काते के का लइका भई के सब देखत है गोदिया में तरी सुतावा ना यही चल के मारे नुसल लाजू ते खात रहले चल 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 बाहर आज एकरी बहिन करा के इतना मीट खाएं इतना मीट खाएं कि मीट खा के मरे मरे हो जाए भाई ये मुर्गा वाला हाथ तोरी बहन के ये तो इस महिला बा कारे साला टाटी मरे तो सीधे प्राइस में आ गेले ए तो मुर्गा में कम रुपया है पानी तेल के बेची ले भर से कहता नहीं साला हाई फाई दुकान के साथ एगो लामा चौरा मुर्गी फार्म खोले ले बा इस्माइल और खारा मुर्गी कैसे चलत है खारा मुर्गी चलत तो नहीं के लेकिन बैठल बा सरवा तो बोलई बतिया तरे साला उठल बा कि बैठल बा तोरा ओसे का मतलब अरे सीधे दाम पूछ ए भाव बताओ कैसे बेचत रे आज आधा किलो 250 ना 3 किलो लेओ के बाद 3 किलो हट हट काट बस उतर चले काट बस साले काउंटर पर बैठला तो मार के पर्चा पर्चा उड़ा दे इस्माइल वो काम कर और दू खारा मुर्गी जोक दे साला बारा हरामी भाई इस्माइल तहन जो मंगर जैसे दिन पर देपा झाड़ू चला दिला खो रे तेरी मीट मछली काटे वाला आदमी से नानू लगे कि एक से खून खा रोक ले साला जब घर में जाते नहीं तो बिलगा देता जब घर में जाते नहीं तो बिलगा देता है इस साला के जीजा है कि जूजी है बुझाते नहीं के तू जीजा ना हमर टेर का झाट हुआ अब तो सट दिना घर में आ मेहरारू के ठेला ठेली चालू हाँ तो सुरोजिन से ठेला ठेली ना करी तो केकस कर सर से आज के बाद हमरा मेहरारू से मजाक उजाक ना करिय हम के करो मेहरारू से मजाक करे जाई ले हाँ तो करो मजाक हम तोरा के रोके जान तब नु हमर मेहरारू तोरा ला पीरी बा आई ला पीपा खारा मुर्गी खा तूनी के दुगलाई छोड़ाई सरो सपना सपना रानी बाकबर मरदा बा फुआ से डरवावा था फुआ ना रहित ने फुफा तो तोरा के फोफी बना देती खारा मुर्गी ले देनी पसंद करा केमे से खाइबा पापा हो सामने से मुर्गिया के मुड़िया हटाओ ना तो टोंगिया टोंगिया के झटवा के ठुट्टी कर देतो हट 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 फुफा माने एकर बाप मतलब ना है तो एकर कोनो इज्जत ना है का हो दलीदार लोग ले ला मीटवा मेहमान मीट महंगा रहला खा खारा मुर्गी तोला ले दू दू गो ए चल सा हम नीए के मिल के बनावल जाई ए हैले सरवा के दे दई अकेले गी जी ये साला मीट खेला वाला आए रहेला करे छौड़ा सो आज दिन तो मंगर बा घर में मीट के खाई जा ई तो गरमरा गेल भले गड़बड़ा गेल मंगर के मीट हम ना खबो भइयो हमू ना अच्छा ना केउ खाई तो पोसाई पोसाई पोसेला मुर्गी मंगाइनी कि खाएला ए काहे ना पोसाई जब घर में एगो करिया गधा पोसा सकता है तो दुगो उजर मुर्गी काहे ना पोसाएगा जो सारा सा पानी रख के टोकरी में तो ठीक नहीं के हो समझा दी बाबूजी छटेली लड़का सबके उ तो जेठ के घाम हमरा चेहरा के रौनक खा गेल न तो हमहु कोनो जमाना में तो का गोर रही ए हमर बार रह जैसे कि हम जानते नहीं थी जरा लकड़ी के सीली तो रह अरे सारू भाई प्रणाम चुप रहा ना तो मुंह में लार धास दे हम साला लड़का के भेजनी कि जाके मौसी कने से घूम के आओ तो ई साला से दुआरे पर से बेलका देल वो तरीका से मिठाई ला ये तो बिना मिठाई के काहेला भेजला हमनी का बिना मिठाई के कहीं जाई ले आ मौसा जॉब जैसन तब तैसन आ बिना मिठाई के साला कुटुंब कैसन हां कुटुंब साला सके अपने आंख में लाज नहीं के जब लड़का सके भेजता तो कम से कम लड्डू गाजा भेज देती कालेनिया एक कार्टून लड्डू गाजा पेड़ा खाजा लेकिन तो नीला ना ज्यादा नहीं लेके छोटका सारू लंग ए मिठाई बंद कर ए साइकिल घुमाओ आ से साला यहां नेवता कारी सब बंद कमो साओ ऐसे कैसे चल जाबो मिठाई लेके पूछम पानी ला पूछले नहीं रवि या रंजन से बाप रे बाप बहुत भारी गलती हो गई है बंटी पांच का बिस्कुट लिया पानी या बिस्कुट तुमने गाड़ी में कुछ फट साला मिठाई छोड़ हट हट
नहीं छीना कर बड़ा धर मोहित घर में डुकाओ। हां पकड़ शर्मा के मिठाई लेके बाजे। हां चारू भाई ऐसे कैसे घर में घुस जेबे तोरे दम्बा घर में घुस जाके। ठीक बा हम अंदर ना जाएं लेकिन हम अंदर से बाहर मिठाई मंगाबो न तो नीमन से बेजाय हो जाई। मौसा तू बेजाय कर तोरा से नीमन तो ना होई। आ रहल बात मिठाई के तैसन कोनो आत्मा कुटुंब के गार में दम नहीं खे कि हमनी के द्वार पर से लियावर मिठाई वापस लेके चल जाए। पापा हो मिठाइया तो छिना गेल कोनो खनो पानी खिला दे वो कम से कम। अच्छा ठीक बा रुआ खुशी खुशी मिठाई रखू लेकिन हमने तीनों बापुतला खाना पीना की व्यवस्था कर दियू। हाँ तो ऐसे कहा ना मऊसा घर में खाना पीना के कमी बा। अच्छा ठीक बा जो तीन प्लेट खाना करके ले आओ हम तीनों बाबूत खाई सब। ए बताओ रे ससिया मऊसा एकरा कहे के मतलब बाकी घर में खाना पीना के कमी बा। अच्छा अच्छा हुई तेरी बहन का ये तो जा मऊसा रोकला से कोनो फायदा होब। तारू भाई कहा जाता नहीं लड़का कहलक कि रुकला से तोरा कोनो फायदा होब। छोड़ सरवा हम की रोक देला त हमनी तीनों बाबू तोरा द्वार पर हक मुत के लेप लप देम। चल बाबू साइकिल उठाओ भैया सारू मुर्ख हट गया पुण में मारला के तोरा के गाना ना बना देनी तो हमरा नाम चारू ना। कारी सरवा लड्डू खाता रे कहां से आलू हो तोर बाप देला ना सराऊ हम घर से पैकेट में कस के लिया रहनी हो। चुपचाप लडुआ दे दे ना तो मरबाऊ चैली से तो हक देबे फैली से। ए खोल दीते लडुआ पे कोनो सरवा के नाम निकल बा। ए ससिया छीन तो सरवा से लड्डू ऐसा लड्डू दे दाना तो साले हाथवा के मन मार के तोड़ता दे। लगा तो सरवा ईटा चला के मारी जिया इधर सारा छड़ी आगे। सपना रानी हाँ सपना रानी रे भोसड़ी अबे लोग चलवा कहाँ ला भाजपा चाहता रे घर में टांग पसार के सुतर रहा ये तोर बेटवा घर चियार के दम तूने बला बा। जा लोई कहो हमर कहे लोटाए लगो इच्छा हमसे कुछ कोई लखा सका बगो बगो अब बगो अब कहाँ भला हुआ रे अब उठ उठ बता कौन मर रहा हुआ बताइए तुम हम लड़ पुता से लड़ाम लड़ू खात रही है तो सारवा का बेटा संजील ले लगा चल ले चला सरे कहे लड़ू छिल लिया सरे बारादर से देखा था तो निके खेला बेला अभी तो निके फुआ के देखला ही ना कसर तेला बेला। ए फुआ तेला बेली करे कहू तो तेला बेली कर लेकिन बिना पूछले लड्डू चला के खताऊ तो हमनी का मरबाऊ। मरबे तू मरबे तो चल मर फुआ रे फुआ पर हाथ उठेबे। भैया जब उठिए गेल बा त केनहु बरसात ह हाय हां अच्छा रे भूसरी ये हमर मुंह फुलाता आ तोर नरम हाथ ओकनी के कोनो फरक पड़ता। चाचा जी भतार हमर पिता ताई ठीक होता नैहर में ई चरवा से मुआ देओ भतार के हम बन जाई विधवा। अरे ये अगला आदमी क्या बोलेगा साला भरुआ खड़ा होकर बेटा पोता से मार खिलवाता है। जिया साला दामाद भरे तो दामाद ले खड़ा ना तो मार के फाड़ फूड़ देम। कहू मेहमान समाचार हो गेल की आउरो हुआ जी रहुआ डेरा ही ना घर ही अपन भेस आ करे सब नि सारो सब केस। आ पुप्पा जी हम दे तनी रहुआ साथ आ दी सब नि सारो सब के गांठ। हां मेहमान भाग जो ना तो पकड़बो तोहर हाथ आ फाड़ देबो मात। चली ओ फैसला सीधा को जहरिए से होई। आज के बाद कौनो सरवा आत्मा कुटुंब द्वार पर आ गेल तो सरवा सके दूरे पर से मार लात के बलगा देवे के बा। भाई खाना निकाल